हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कर्म एंड कंपनी में। और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो भारत की कुछ प्रमुख नदियां कौन कौन सी, उनको हम समझेंगे अच्छी तरीके से। ध्यान रखिएगा, एक एक मैप को अच्छे से समझ लीजिएगा और मैं लोकेशन बताऊंगी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंधु नदी की। देखिए, सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहते हैं। इस नदी का जो उद्गम है, इसकी शुरुआत जो होती है वो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होती है। सिंधु नदी जो है वो तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे तीन लोकेशन दिखाई दे रही है, क्या तो तिब्बत, तिब्बत आजकल चीन का पार्ट माना जा रहा है, उसके बाद में भारत पाकिस्तान, तो दो और एरियाज में कवर होते हैं। और उसके बाद ये कहाँ मिलती है, अरब सागर में। सिंधु नदी की कुल जो लंबाई में है वो लगभग बात की जा रही है 2880 किलोमीटर तथा यह भारत में केवल 1992 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सिंधु नदी की जो कुछ प्रमुख और सहायक नदियां हैं उनका नाम यहाँ पे कौन कौन सा है, एक तो है झेलम, एक है चिनाब, एक है रावी, एक है व्यास और एक है सतलज। ठीक है, अभी आगे दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये है इंडस यानी सिंधु नदी का प्रॉपर मैप। अब देखिए, इसमें आपको दिख रहा है, ये अलग अलग प्रकार के मैप में आपको दिखा रहा हूं। इसमें खास तौर पर देखिए, ये है अपर इंडस, ये है लोअर इंडस। अब देखिए, लोअर इंडस और अपर इंडस आपको दिख रहा है। देखिए, सब के सब नदी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कलर से आपको दिखाई देंगे। इस वीडियो को ना, जो भी इमेज आपको चाहिए उस पेज वीडियो को पॉज कीजिए और उसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए कौन सी नदी कहाँ से जा रही है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छी तरह से इसको देख पाएंगे। अगला हम बात करेंगे इसमें नदी की, उसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट बने बेरनाग नामक एक स्थान से हुआ है। वूलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा चेनाब नदी में मिल जाती है, यानी कि पाकिस्तान में जाने के बाद चेनाब नदी में मिल जाती है। और झेलम नदी की जो कुल लंबाई है वो तकरीबन 724 किलोमीटर है और उसमें से ये भारत में केवल 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ झेलम नदी का जो मैप है, ये बहुत अच्छा मैप मिला है। देखिए, यहाँ पर अफगानिस्तान की लोकेशन है, इधर ये आपको पाकिस्तान की लोकेशन दिखाई देती है और यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो मैं डाइड कर रहा हूँ सर्कल, ये है आपका झेलम। और देखिए, झेलम यहाँ से निकल रहे और ऐसा आते हुए इस्लामाबाद होते हुए ये इधर आकर के आगे जाकर चेनाब नदी आपको दिख रहा है ना, चेनाब नदी ये यहाँ जाकर झेलम चेनाब में मिल जाती है। और रावी नदी भी आपको दिखाई दे रही है वाली, ये रावी नदी भी आगे जाकर चेनाब में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है इसमें व्यास नदी। व्यास नदी का जो उद्गम हुआ है वो हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, व्यास कुंड से ही व्यास नदी का उद्गम हुआ है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर तय की जाती है जो पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। ये भी कहाँ मिलती है, पंजाब में सतलज नदी में ही मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे चेनाब नदी की। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है। बारालाचा दर्रा जो है वो बहुत ही फेमस दर्रा है। यह पीर पंजाल के समानांतर बहते हुए किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गर्ज बनाती है। भारत में चेनाब नदी की कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। यह पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में ही मिल जाती है। अब इनके मैप में आपको दिखाने वाला हूं। इसके बाद है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है एवं पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। अब चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए, जिससे कि आपको कुछ डिटेल्स स्क्रीनशॉट में मिल जाए। अब देखिए, यहां पर आपको दिखाई देगा ये मैप दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए इंडस नदी, ये मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ऐसे जा रही है। इसके बाद आगे जाकर दिख रहा है आपको झेलम नदी, और ये देखो, ये जो नदी जाने वाली झेलम नदी है और यहाँ से आ रही है चेनाब नदी। ये दोनों नदियाँ आगे जाकर के यहाँ मिक्स हो रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है आपस में। और इधर अगर हम देखेंगे, ये आ रही है आपकी रावी नदी, ये आपकी रावी नदी और ये देखिए नदी आगे जाकर के ये भी मिल रही है किसमें, इसमें झेलम नदी में।
उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी भी आ रही है, और ब्यास नदी पहले आपको रावी में मिलती है और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती है। सॉरी, ब्यास नदी आपको कहाँ मिल रही है, सतलज में, और सतलज का उद्गम देखिए यहाँ से हो रहा है, ये सतलज का उद्गम है, यहाँ से सतलज आ रही है और रावी और सॉरी ब्यास नदी और सतलज नदी पहले एक बार यहाँ मिलते हैं आकर के, फिर यहाँ से ये आगे बढ़ते हैं और जाकर के मिल जाते हैं कहाँ, पहले मिलते हैं जाकर के चिनाब नदी में और झेलम नदी में, और उसके बाद मिलते हैं फिर ये जाकर इंडस नदी में। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें सतलज नदी की। ठीक है, सतलज नदी का जो उद्गम है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ है। यहां ध्यान रखना, सतलज का कहां से उद्गम हुआ है, राक्षस ताल से। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। भारत में सतलज नदी की जो लंबाई वो 1050 किलोमीटर है, और एक बहुत ही प्रसिद्ध भाखड़ लांगल जो डैम है, भाखड़ा जो डैम बना हुआ है, वो बांध भी सतलज नदी पर ही बना है। अब देखिए, ये है आपकी सतलज नदी, ये आ रही है यहाँ से और ये आगे जाकर कहाँ मिल रही है, चिनाब में हम मिल जाती है, इस पॉइंट पे चिनाब में मिल रही है और फिर आगे जाकर के ये बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, इसके बाद एक बहुत फेमस नदी की बात करने वाले हैं हम, गंगा नदी की। अब बात करें कि गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वो उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देवप्रयाग मिलने पर यहाँ गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है, देखिए जब अलकनंदा और भागीरथी नदी ये दोनों कहां मिलेंगी, इस पर देवप्रयाग में इससे मिलती हैं और तब इसका नाम बनता है गंगा नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में, इस बात को याद रखिएगा। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिल जाती है जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। अब वहां पे मतलब सो प्रयागराज भी बोलते थे, प्रयाग हो गया ना इलाहाबाद का नाम। तो यहाँ पर जो संगम है इसमें तीन नदियां मिल रही है, एक तरफ से गंगा आ रही है, एक तरफ से यमुना आ रही है, और वहां पे कहा जाता है कि नीचे से धरती के नीचे से प्रकट हो रही है वहां सरस्वती। तो यहाँ तीन नदियां आपस में मिलती है उसको संगम कहा गया, और संगम जो जगह है वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद का नाम प्रयाग है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में समुद्र से मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी इससे मिल जाती है और इसका नाम उसके बाद बन जाता है मेघना। और गंगा नदी की कुल लंबाई टोटल 25 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टे का निर्माण करती है, जो बहुत ही बड़ा डेल्टा अपने आप में माना जाता है। और गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी, उनके नाम भी आपको बता देते हैं यहाँ पर, एक है यमुना नदी, एक है सोन नदी, एक है रामगंगा नदी, एक है घाघरा नदी, एक है कोसी, गंडक इत्यादि ये नदियां हैं प्रमुख नदियां जो गंगा में मिलती हैं। और देखते हैं आप गंगा बेसिन को, यहाँ देखिए दिख रहा है आपको एक गंगोत्री जो लिखा है, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है और फिर ये आती है देवप्रयाग जहाँ से दो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। और उसके बाद ये जो हरिद्वार की लोकेशन, एक बात ध्यान रखिएगा, हरिद्वार वो लोकेशन है जहाँ पे गंगा नदी पहली बार धरती पर उतरती है, यानी कि पहाड़ों से जमीन पर आ जाती है, हरिद्वार में आती है। और उसके बाद ये निकलती है बरेली की तरफ, लोकेशन को लेते हुए बरेली उत्तर प्रदेश में शुरुआत होती है और यहाँ से ये लखनऊ, कानपुर और फिर इलाहाबाद से होते हुए, इलाहाबाद वो जगह है जहाँ भी मैंने आपको बताया देव संगम, यानी कि तीन नदियाँ यमुना, गंगा और सरस्वती मिलती हैं। उसके बाद बनारस होते हुए ये जाती है पटना, और पटना से रिमूव कर होते हुए जा करके ये मिल जाते हैं कहाँ, अंत में कोलकाता होते हुए कहाँ, ये क्या कहता है आपका, इंडियन ओशन में चली जाती है। ठीक है, यानी कि बंगाली खाड़ी में चली जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, यमुना नदी की। देखिए यमुना नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है जो बंदर पूंछ पहाड़ी पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफर तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा से मिल जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में टोंस, चंबल, बेतवा, केन तथा काली सिंध आदि शामिल हैं।
और यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो यमुना नदी ही है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, चंबल नदी की। देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जानापाओ पहाड़ी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है और चंबल नदी की लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। यह नदी बिहड़ो यानी कि गड्ढों का निर्माण करती है। गड्ढे होता है ना, बिहड़ यानी कि पहाड़ी होती है, उनको काट काटे गड्ढों का निर्माण यह नदी करती है। अब देखिए मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं, पहले दिखाता हूं आपको यमुना नदी की लोकेशन। यहां पर दिख रहा है यमुनोत्री है, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद ये आती है पंटो साहिब में, फिर उसके बाद दिल्ली में आती है, दिल्ली से इसमें मैक्सिमम लेवल पे पॉल्यूशन शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगली लोकेशन पड़ती है इसकी मथुरा, फिर आगरा, और आगरा से होते हुए जाती है किधर, ये जाती है आपकी इलाहाबाद, और इलाहाबाद जिसको आप प्रयागराज नाम से बोलते हैं वहां पर ये मिलती है गंगा नदी से। गंगा नदी की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है कि ये जो लोकेशन आ रही है, ये आ रही है गंगा नदी की लोकेशन, ठीक है। और कहां, प्रयागराज में आकर के ये गंगा नदी से मिलती है और वहीं से इसका अंत होता है, किसका, यमुना का, क्योंकि गंगा में मिल जाती है। सॉरी, इसके बाद एक और मैं दिखाता हूँ ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा चंबल रिवर के बारे में। देखिए चंबल रिवर आ रही है ना, तो ये कई जगह से मिल रही है और देखिए ये गड्ढों का निर्माण करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद नदी का नाम है घाघरा नदी। इस नदी का उद्गम, देखिए नाम अजीब सा होगा, माप चाचुंग, ठीक है, माप चाचुंग ग्लेशियर से हुआ है जो तिब्बत के पठार में स्थित है। नाम समझ सकते हैं क्योंकि थोड़ा चाइनीज नाम है, तो इसलिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक तिब्बत जैसी लोकेशन में स्थित है। यह नेपाल के मध्य से बहती है और हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए यह राशि पानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है और फिर घाघरा नदी बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ध्यान रखना, बिहार में कहा, छपरा जिला है, वहां से ये काम में किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और इस नदी की कुल लंबाई है 1200 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी का उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसी हुई है और यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आता है गंडक। इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। जो नेपाल और तिब्बत एक साथ लगे हुए ना, पर्वत श्रृंखला बहुत सारी, तो वहीं से इसका उद्गम होता है। नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी, ठीक है, शालिग्रामी तथा नारायणी नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमाओं से बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की कुल लंबाई है 425 किलोमीटर। अब मैप में देख लेते हैं, देखिए ये जो नदी है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिमालय हो गया, देखिए ये यहाँ पर दिख रहा है गंडक दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर आपको दिख रहा है घाघरा नदी। तो यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और यहाँ से होते हुए आ रही है ये, ऐसे बढ़ते हुए आगे घाघरा नदी, और यहाँ देखिए पटना में जाकर के मिल रही है। और गंडक नदी जो है वो भी आते हुए यहाँ पर पटना में मिल जाती है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गोमती रिवर बेसिन, में आपको दिखाता हूँ पहले से ही, देखिए यहाँ सारा गोमती रिवर बेसिन और आगे जा करके ये इसका मेल हो रहा है, ठीक है, और उधर जा करके क्या कहते हैं यूपी से होते जाती है और ये आगे जा करके क्या कहते हैं इसमें पटना से होते गंगा में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी का जो उद्गम है वो प्रारंभिक रूप में 7 धाराओं से हुआ है जो नेपाल हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत से निकलती है। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है, तो ध्यान रखना अरुण, जैसे कि मैंने आपको प्लैनेट में पढ़ाया था, तो प्लैनेट में भी आपने अरुण देखा होगा। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है, जो मैंने आपको प्लेनेट बताया था ना, जो हमने सौर मंडल वाला पढ़ा चैप्टर सोलर सिस्टम वाला, उसमें भी अरुण आपने सुना होगा, जो माउंट एवरेस्ट के पास निकलती है। अरुण जो नामक धारा है वो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए मतलब जानी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत भयंकर बाढ़ के लिए जानी जाती है। यह प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति पहुंचाती है और इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है,
कोसी नदी को। इसके बाद बात करते हैं दामोदर नदी को। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार में स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। ये झारखंड में बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही करती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक और नदी है बिहार का शोक जिसे कोसी कहते हैं, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना संचालित है जो अमेरिका की टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। अगर देखते हैं फटाफट इनका, आप देखिए लोकेशन देख लीजिए, ये दामोदर बेसिन है। इसको आप थोड़ा सा वीडियो का पॉज कर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा उलझाऊ लग रहा है लेकिन है नहीं। और उसके बाद में ये है कोसी नदी बेसिन, तो आपको दिखाई देती है दोनों लोकेशन ही है, कोसी की भी और उसकी भी। थोड़ा वीडियो लंबा ना, इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। यह रायसेन जिले में स्थित कुमार गांव के निकट विध्याचल पर्वत से निकलती है। इस नदी की जो टोटल लंबाई बताई गई है वो 475 किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी पर माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है। इसके बाद आती है एक खास नदी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से और यह मध्य प्रदेश के रीवा एवं सीधी जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई लगभग 475 किलोमीटर है। इस नदी पर बाण सागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना का संचालन भी किया गया है। अगर देखते हैं, देखिए ये आपको दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, ये बांध सागर परियोजना और ये आपको रिवर ऑफ सोन दिखा रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने केन बेतवा लिंक भी दिखाया गया, तो केन नदी की भी लोकेशन आपको मिल जाएगी। ये बेतवा नदी है और ये है केन नदी की लोकेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लिखा केन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। इसके बाद नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 5150 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में संगपो नाम से जानी जाती है, ठीक है, संगपो ध्यान रखना। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह दिहांग कहलाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में इसे यमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों की सम्मिलित धाराओं को मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर तथा यह भारत में यह 916 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, दूरी तय करती है। इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ठीक है, इसको मंजुली भी बोलते हैं, कुछ जगह पे इसको माजुली भी बोलते हैं, द्वीप स्थित है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाया गया, ठीक है। और ये आपको दिख रहा ब्रह्मपुत्र का लोकेशन। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ चाइना, और चाइना से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र का उद्गम दिखेगा। और जैसे आते हुए ये अरुणाचल से ऐसे यू टर्न लेती है और ऐसे करते करते असम में आते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। इसके बाद नदी है नर्मदा। यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गुजरात में भड़ोच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण यह करती है और यह एस्चुरी का निर्माण भी करती है। इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना ओकांतरेश्वर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना भी बनी हुई है नर्मदा नदी पर। इसके बाद हम बात करते हैं तापी नदी की। तो तापी नदी का जो उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई नगर के पास हुआ है। तापी नदी पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। अब देखिए इसका मैप में लोकेशन दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ है देखिए नर्मदा। अब नर्मदा कहाँ से निकल रही है, दिख रहा है आपको अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से होते हुए जाती है और ये ऐसी नदी जो पश्चिम की तरफ ट्रैवल करती है, तो ध्यान रखिएगा, और पश्चिम की तरफ ट्रैवल करते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है नर्मदा की नदी लोकेशन दिख रही है, अब यहाँ पे तापी की लोकेशन भी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने काफी सारी लोकेशन भी आपको दिखाई, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्ण नदी, कावेरी नदी, सब लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है यहाँ पर। आगे देखते हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सभी नदियों की। पहले है महानदी। महानदी का उद्गम जो रहा है वो छत्तीसगढ़
राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिंहवा पहाड़ी से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी को देखें तो इस नदी का उद्गम हुआ है महाराष्ट्र के नासिक जिले से, और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई तकरीबन 1465 किलोमीटर है। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, वृद्ध गंगा भी इसी को कहते हैं। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पठार को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर निकट एक झरने से गिरती है, और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्री शैलम परियोजना का निर्माण भी किया गया है। देखिए, अब यहाँ सारी लोकेशन आप फिर से देख लीजिए एक बार, इनका आप चाहो तो वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे शिप्रा नदी की। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्षों में कुंभ का मेला भी लगता है, और ये 12 वर्षों में लगने वाला कुंभ का मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। अगली बार है माही नदी की। अगर माही नदी को देखें तो इस नदी का उद्गम होता है अरावली पर्वत श्रृंखला से। यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ध्यान रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यह कर्क रेखा को यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है ये। और यहीं पर हम कहेंगे कि हमारे जो नदियों का मतलब डिस्कशन है वो खत्म हुआ। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो भारत की जो प्रमुख नदियां एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछे जाने की आशंका होती है, उनके बारे में डिटेल में आपसे शेयर कर चुका हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।